दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शहर की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जहां पर आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, इतनी तेजी से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हालांकि ये एक इस्लामिक देश है दोस्तों, लेकिन फिर भी यहां पर प्रोस्टिट्यूशन बहुत ही धड़ल्ले से होता है। कहा जाता है कि यहां की लड़की अगर एक बार आपके पीछे पड़ गई तो बस आपकी खैर नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर खुल्लम खुल्ला होती हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये शहर अपने म्यूजियम्स के लिए जाना जाता है। और हाँ, एक बात और, यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में शॉपिंग मॉल मिलेंगे। इस जगह का नाम एक दो बार नहीं बल्कि 13 बार बदला गया और यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम बहुत ही खतरनाक है। लेकिन सबसे बुरी बात है वो ये कि ये शहर जल्द ही डूब जाएगा। जी हाँ, कुछ ही सालों में ये शहर हमारे वर्ल्ड मैप में हमें नजर नहीं आएगा। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं इस शहर के बारे में जो आप आज जान जाएंगे। एक ऐसा शहर जहां आप 24/7 खा सकते हैं बिना रुके। तो कौन सा है ये शहर, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, जकार्ता एक अद्भुत शहर जो इंडोनेशिया की राजधानी से कहीं बढ़कर है। इसके बावजूद बाहरी लोगों को शहर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और यहाँ तक कि यहाँ आने वाले लोग भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो आज आप इस शहर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जकार्ता म्यूजियम्स का हब कहा जाता है। यहाँ 10-20 नहीं बल्कि 70 से भी ज्यादा म्यूजियम्स हैं। जकार्ता के स्थानीय लोगों को भी ये बात तो बहुत कम पता है कि शहर में वास्तव में कितने संग्रहालय हैं। शहर में 74 से ज्यादा संग्रहालय हैं। कोटातुआ में कम से कम 9 संग्रहालय हैं और तमन मिनी इंडोनेशिया के थीम पार्क में 16 संग्रहालय। कहने का हमारा मतलब ये है कि अगर आपको म्यूजियम से प्यार है, अगर आपको हिस्ट्री जानना अच्छा लगता है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों, जकार्ता तकनीकी रूप से एक शहर भी नहीं है। जकार्ता 4,364 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैला है और ऑफिशियली तौर पर ये एक प्रांत है। हालांकि इंडोनेशिया की राजधानी होने के कारण इसे विशेष राजधानी का दर्जा भी मिला हुआ है, इसलिए इसे एक शहर के रूप में जाना जाता है। जकार्ता काफी विकसित नजर आता है क्योंकि यहाँ पर काफी लग्जीरियस चीजें आपको मिलेंगी, साथ ही 130 से ज्यादा शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे। मॉल्स को देखने के बाद ही आप उन पर यकीन कर सकते हैं। सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से एक ग्रैंड इंडोनेशिया में कम से कम 9 मंजिलों पर दुकानें हैं और ये एक ऐसे क्षेत्र में फैला हुआ है जो आमतौर पर कई शहर के ब्लॉक्स के बराबर होता है। जकार्ता का नाम एक दो बार नहीं दोस्तों बल्कि 13 बार बदला गया। 1527 में मूल डच बस्ती के बाद से शहर का ऑफिशियल नाम 16 बार बदला गया। बटाविया के अलावा जकार्ता को जयकांता, जकार्ता और यायाकार्ता जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये जानकर मैं सरप्राइज हो गई कि वास्तव में दुनिया में सबसे खराब अगर ट्रैफिक सिस्टम कहीं है तो वो यहाँ है। इसी के साथ एक बुरी खबर भी है दोस्तों, जकार्ता धीरे धीरे डूब रहा है। जकार्ता के बारे में एक रोचक तथ्य ये भी है कि ये शहर वास्तव में डूब रहा है। समुद्र तल से औसतन केवल कुछ मीटर ऊपर बना ये शहर वास्तव में धीरे धीरे पानी के अंदर समा जाएगा और कहा जा रहा है कि 2050 तक शहर का 95% हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। डेवलपर्स के लिए ये अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ जकार्ता में खाना एक संस्कृति है दोस्तों। अगर आप कभी किसी जकार्ता वासी को जानते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि वे आपको जकार्ता में खाने की ऐसी जगहों से इंट्रोड्यूस कराएंगे जो आपने खुद कभी नहीं देखी होगी। जकार्ता के रहने वाले लोग खाने के लिए सब कुछ करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जकार्ता दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद का घर भी है। जकार्ता में इस्तिकलाल मस्जिद 100,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है और ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। नमाजियों की क्षमता के मामले में दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी मस्जिद। एक ही समय में करीब 1,20,000 लोग इसके अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इंडोनेशिया की लगभग 86% जनसंख्या खुद को मुस्लिम मानती है और इंडोनेशिया कुल मिलाकर सबसे ज्यादा मुसलमानों वाला देश भी है। लेकिन एक बात है इस जगह पर, हालांकि ये एक इस्लामिक देश जरूर है लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं जो धड़ल्ले से होती हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ड्रेस कोड को लेकर यहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, लेकिन एक चीज और है, वो है प्रोस्टिट्यूशन।
प्रोस्टिट्यूशन जकार्ता में धड़ल्ले से चलता है। यहाँ बहुत सारे पब्स हैं, पार्लर्स हैं और मसाज पार्लर्स हैं जहाँ पर सब कुछ होता है। जी हाँ, और कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ पर लड़कियाँ अगर एक बार आपके पीछे पड़ गई तो आपको छोड़ेंगी नहीं। यहाँ की लड़कियाँ विदेशी लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं। और हाँ, एक बात और, यहाँ पर वो सब होता है जो आप अपने देश में नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट इन्हीं चीज़ों की तलाश में आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जगह है बड़ी खूबसूरत, यहाँ आने वाले लोग इसको बार बार देखना चाहते हैं। यहाँ आने वाले लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, जकार्ता में राष्ट्रीय स्मारक मोनास, दोस्तों ये जकार्ता के दिल के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय स्मारक जिसे प्यार से मोनास के नाम से जाना जाता है, मंडेका स्क्वायर के केंद्र में 132 मीटर ऊंचा खड़ा है। ये इंडोनेशिया की आजादी का प्रतीक है। ये राजसी टावर अपने अवलोकन डेक से शहर का एक खूबसूरत दृश्य दिखाएगा आपको। शहर की विशालता और परिदृश्य देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मोनास सुंदर बगीचों के लिए जाना जाता है। हलचल भरे शहर के केंद्र में शांतिपूर्ण और हरा भरा नखलिस्तान ये दिखाता है। आराम करने के लिए, कुछ हटके करने के लिए ये जगह बेस्ट है। दोस्तों, दिस इज ओल्ड टाउन। जकार्ता के औपनिवेशिक अतीत में वापस जाएं और कोटातुआ ओल्ड टाउन की यात्रा करें। आपका हर कदम आपको यूरोपियन लोगों के सदियों पुराने वर्चस्व की याद दिलाएगा, ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानकारी देगा, वास्तुकला, चहल पहल वाले स्ट्रीट मार्केट्स और अट्रैक्टिव म्यूजियम्स का ये जगह दावा करती है। शानदार इमारतों से घिरा एक केंद्र, स्क्वायर को देखना ना भूलें, अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं। दोस्तों, ये है इस्तिकलाल मस्जिद। इंडोनेशिया की धार्मिक विविधता और वास्तुकला की भव्यता अगर आपको देखनी है तो यहाँ जाइए। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। वास्तुकला की एक अलग से झलक मिलती है। मस्जिद के डिजाइन में आधुनिक और पारंपरिक तत्व मिलते हैं। ऊंचा गुंबद और ऊंची मीनारें हैं जो क्षितिज पर छाई हुई है। मुस्लिम पूजा स्थल होने के बावजूद इस्तिकलाल मस्जिद सभी धर्मों के आने वाले लोगों का स्वागत करती है। हालांकि मस्जिद की पवित्रता का सम्मान करने के लिए आपको यहाँ आना होगा और शालीन ड्रेस कोड का पालन करना होगा। आप चाहे पुरुष हैं या महिलाएं, कपड़ों पर आपको ध्यान देना होगा, इसलिए यहाँ आना तो बनता है। दोस्तों, कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं तो आप हजार द्वीप जा सकते हैं। शहर की चहल पहल से दूर होकर थाउचेन आइलैंड्स की नाव यात्रा करें। ये जावा सागर में स्थित है जो जकार्ता से लगभग 45 किलोमीटर उत्तर में है। द्वीप समूह प्राचीन समुद्र तट, क्रिस्टल साफ पानी और कई तरह के वाटर एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। रेतीले तटों पर आराम कीजिए, रंगीन समुद्री जीवन से भरी पानी के नीचे की दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए, साथ ही कुछ अच्छा कीजिए और मज़ेदार कीजिए। यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही फेवरेट जगह है टूरिस्ट के, तो यहाँ आकर खूब सारे मज़े आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तो आप रघुनान चिड़ियाघर जा सकते हैं। प्रकृति प्रेमी और परिवार इंडोनेशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। जी हाँ, रघुनान चिड़ियाघर की यात्रा करके आप खुश हो जाएंगे। दुर्लभ इंडोनेशियाई प्रजातियां सहित जानवरों की लगभग 3000 से ज़्यादा प्रजातियां आपको यहाँ मिलेंगी। चिड़ियाघर वन्य जीवों के साथ साथ आपके लिए एक बेहतरीन जगह है एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों, आप जा सकते हैं इंडोनेशिया की नेशनल गैलरी। कला के शौकीन लोगों के लिए ये जगह परफेक्ट है। राष्ट्रीय गैलरी भवन का एक बेहतरीन वास्तुकला अद्भुत नज़ारा दिखाता है। भव्य और सुंदर डिजाइन इसके हॉल्स में दिखते हैं, कलाकृतियां नजर आती हैं, साथ ही एक परफेक्ट सेटिंग नजर आती है। इफेक्टिव गैलरी पारंपरिक और समकालीन इंडोनेशियाई कला का एक विशाल संग्रह दिखाती है जो देश की कलात्मक विरासत के बारे में आपको जानकारी देगी। दोस्तों, यहाँ पर एक चर्च भी है, जकार्ता कैथेड्रल। नव गॉथिन वास्तुकला की एक झलक यहाँ मिलेगी। शहर का ये प्रमुख धार्मिक स्थल है। चर्च का डिजाइन बहुत ही जटिल है, शांतिपूर्ण माहौल है, वास्तुकला अनोखी है। कैथेड्रल के बाहरी हिस्से में विस्तृत मूर्तियां और सजावटी तत्वों से सजी एक अट्रैक्टिव मुखौटा भी है। आपको बाहरी दीवारों पर शिल्प कौशल और विस्तार पर ध्यान देने पर पता चलेगा कि कितना पुराना है। खूबसूरत रंगीन कांच की खिड़कियां देखेंगे तो बाहर की रोशनी से हॉल को रोशन पाएंगे।
सीरियसली यहाँ आना तो बनता है। आई होप दोस्तों आपको ये जगह अच्छी लगी होगी। इसी के साथ बहुत सारे मॉल्स हैं जहाँ आप घूम सकते हैं और बहुत सारे प्रतिबंध हैं जिसका पालन आपको यहाँ आकर करना होगा। आई होप दोस्तों ये ट्रेवल आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।